the Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बहुत ही खास खबरें। सबसे पहले नज़र डालते हैं उस खबर पर जो हम सबके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक होगी और हम सब ने शायद इस पे कभी गौर भी नहीं किया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसे लिखा है प्रियंका सौरभ ने, जो रिसर्च स्कॉलर इन पॉलिटिकल साइंस हैं और एक कवयित्री भी हैं। 28 साल पहले एक कानून के माध्यम से प्रतिबंध लगाने एवं तकनीकी प्रगति के बावजूद मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने वाले मैनुअल स्कैवेंजिंग भारत में अभी तक बनी हुई है। मैनुअल स्कैवेंजिंग का तात्पर्य किसी भी तरीके से मैनुअल रूप से सफाई करने या फिर गंदगी को निपटाने या संभालने के अभ्यास से है। अब जबकि पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान के जरिए साफ सफाई पर जोरों शोरों से चर्चा हो रही है, तो ये ज़रूरी है कि अब मान्य पेशे में कुछ न कुछ गंभीर प्रयास किए जाएं। जी हाँ, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 16 राज्यों ने ही सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध के कानून को अपनाया और किसी ने भी पूरी तरीके से इसे लागू नहीं किया। श्रम मंत्रालय के कर्मचारी क्षतिपूर्ण पूर्ति कानून को भी सिर्फ 6 राज्यों ने ही लागू किया। इसलिए अब ऐसा न करके एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो आय सृजन का विस्तार करने पर आगे बढ़ सके, और मैनुअल स्कैवेंजिंग पर कुछ नियम बहुत ज़रूरी हैं। स्वच्छता के अभाव में पुरानी सुविधाओं को ध्वस्त और पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग में लगे लोगों में आत्मविश्वास का स्तर बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवमाननीय प्रथा को निपटाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति अहम भूमिका अदा कर सकती है। अब बात करते हैं डॉक्टर नीलम महेंद्र की रिपोर्ट की, जो लेखिका भी हैं और वरिष्ठ स्तंभकार भी हैं। उन्होंने एक खास रिपोर्ट में ये कहा है कि असम सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि इस महीने यानी नवंबर में वो राज्यों में संचालित सभी मदरसों और संस्कृत टोल्स या संस्कृत केंद्रों को बंद करने संबंधित एक अधिसूचना लाने जारी करने वाली है। इस फैसले के अंतर्गत असम सरकार द्वारा संचालित या फिर यूं कहा जाए सरकार द्वारा फंडेड मदरसों और टोल्स को अगले 5 महीनों के भीतर नियमित स्कूलों के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। जी हाँ, ये फैसला सरकार द्वारा लिए जाने का कारण स्पष्ट करते हुए असम के शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का काम धार्मिक शिक्षा प्रदान करना नहीं है। हम धार्मिक शिक्षा के लिए सरकारी फंड खर्च नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब वो आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे, इसलिए मदरसा बोर्ड को भंग कर संस्थानों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। प्रदेश में चलने वाले प्राइवेट मदरसों के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे चलते रहेंगे। असम सरकार की इस घोषणा के साथ ही ये व्यापक विरोध और राजनीति शुरू हो गई है। क्यों ऐसा कहा जाए कि इस देश में राजनीति कभी निज स्वार्थ के ऊपर उठ नहीं पाई। हमारे राजनेता स्वार्थ की राजनीति से ऊपर उठकर कभी सोच ही नहीं पाते। जी हाँ, राजनीति के इस स्तर पर अगर बात की जाए तो मदरसा दरअसल किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान के लिए अरबी शब्द है। अतः मदरसों की बात करने से पहले शिक्षा की बात कर लेते हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा को विकास करे, वो ही असली शिक्षा है। जी हाँ, ये बात बहुत ही अहम है और इसी के चलते असम सरकार ने ये अहम फैसला किया है। जी हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात के लिए, इस विकास के लिए एक विशेष बल दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक युवा आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। अब बात करते हैं डॉक्टर सत्यवान सौरभ जी की रिपोर्ट के बारे में, जो रिसर्च स्कॉलर पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। सामाजिक सुरक्षा कोष में तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि देश के सबसे गरीब और कमजोर तबके को यह वित्तीय सुरक्षा की भावना प्रदान कर सके। एक मजदूर देश के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाता है। किसी भी समाज, देश, संस्था या उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की अहमियत बहुत ऊपर होती है। इनके श्रम के बिना औद्योगिक ढांचे के खड़े होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोरोना आपदा के कारण सबसे बड़ा संकट दिहाड़ी मजदूरों के लिए हुआ है, जिनके बारे में देश के अंदर बहुत ही कम चर्चा हुई और इसकी आर्थिक
सहायता के लिए भी देश की सरकार ने कुछ नहीं सोचा। कोई संदेह नहीं कि देश को मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा शोषण का शिकार है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूरों के लिए भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया। शहरों में रोजी रोटी की तलाश में आने वाले मजदूर अपने अपने गांव में बंद हैं। खेती बाड़ी के लिए उनके लिए रोजगार नहीं था और आज भी नहीं है। भूख से मर रहे हैं और दिहाड़ी वाले मजदूरों के लिए जिम्मेदार कौन होगा? देश भर में करोड़ों लोग दिहाड़ी पे श्रमिक करते हैं और मजदूर देश में निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाता है। किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की बहुत ही अहम भूमिका की जाती है। इसके श्रम के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते और इसका सरकार में इसका खाता नहीं रखती है कि कितने लोग इस तरीके से गरीबी में जी रहे हैं। इन दिहाड़ी मजदूरों के लिए योगदान के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। देश के कुल श्रमिकों में से शहरी क्षेत्रों में कई प्रतिशत दिन दहाड़ क्षेत्र में लगे हुए हैं। जी हाँ, शहरी विकास के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 500 मिलियन श्रमिकों के भारत में कुल कार्यबल का लगभग 90% अनौपचारिक क्षेत्र में लगा हुआ है। अब नज़र डालते हैं टेक्निकल खबरों की तरफ। यदि आप भी गेम खेलने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल साइबर सिक्योरिटी फर्म अवास ने गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद 21 एडवेयर गेमिंग ऐप्स को लेकर चेतावनी दी है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी की माने तो ये 21 ऐप्स हिडन एड फैमिली ट्रोजन का भाग हैं। कंपनी के मुताबिक मौजूदा समय में गूगल अभी भी एडवेयर गेमिंग ऐप्स की रिपोर्ट की कार्रवाई कर रहा है। सेंसर टावर के प्रदान किए गए डेटा में कहा गया है कि ये ऐप को ऐप स्टोर में गूगल 80 लाख बार डाउनलोड किया गया है। जी हाँ, इसकी सूची अगर मैं आपको बताऊँ तो शूट देम, क्रश कार, रोलिंग स्कोर, हेलीकॉप्टर अटैक, एशियन लेजेंड, हेलीकॉप्टर शूट, रबी पास, फ्लाइंग स्केटबोर्ड, आयरन एज, शूटिंग रन जैसे 21 और भी ऐप्स हैं। हालांकि इन पर डेटा चोरी का आरोप नहीं लगा है। इन ऐप्स को 8 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। इन ऐप्स को लेकर बोला गया है कि ऐसे एडवेयर में बाकी मैलवेयर में कम खतरनाक मलेशियस कोड संग आते हैं। अब बात करते हैं यूट्यूब की। गूगल इन दिनों अपनी सर्विसेज को अपडेट करने में जुटा है। पिछले कुछ दिनों में गूगल ने अपनी सर्विसेज में नए फीचर जोड़े हैं। अब इसी कड़ी में गूगल के वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने कुछ नए फीचर्स जारी किए हैं। पत्रिका पर छपी खबर के अनुसार इन नए फीचर्स से मोबाइल पर वीडियो देखने का अंदाज बदल जाएगा। यूट्यूब ने नए फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए ये जारी किया है। यूट्यूब ने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए वीडियो चैटर का फीचर ऐड किया है। जी हाँ, बता दें कि वीडियो प्लेटफॉर्म में ये फीचर पहले मई माह में अपडेट किया गया था। इस पर फीचर का लाभ स्मार्टफोन यूजर्स भी उठा सकते हैं। इस फीचर के जरिए यूजर्स सभी चैप्टर्स को लिख और लिस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, और देख भी सकते हैं, साथ ही प्रीव्यू भी कर सकते हैं और अगर वो चाहें तो किसी भी सेक्शन को स्किप भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही स्मार्ट और नया फीचर है जो YouTube ने हम सब के लिए डाला है। तो अब इंतज़ार है कि कब से हम इस नए फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सभी भारतवासियों के लिए एक खास खबर है। इंडियन शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म मित्रो की ओर से अब एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। जी हाँ, जहाँ से आप इंडियन ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ोन में अलग अलग ज़रूरतों के लिए मेड इन इंडिया ऐप्स डाउनलोड करने हो तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आत्मनिर्भर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप में अलग अलग कैटेगरी दी गई हैं जिसमें बिजनेस, ई लर्निंग, न्यूज़, हेल्थ, शॉपिंग, गेम्स, इंटरनेट और सोशल वगैरह है। फिलहाल केवल एंड्रॉयड डिवाइस में ही आत्मनिर्भर ऐप डाउनलोड किया जा सकता है और iOS प्लेटफॉर्म पर अभी अवेलेबल नहीं है। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल इस ऐप की मदद से यूजर्स भारत में डेवलप किए जाने वाले एड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर स्थानीय डेवलपर्स की ओर से ये तैयार किए गए हैं और 100 से ज़्यादा ऐप्स इसमें लिस्टेड हैं। इसके अलावा ऐप में आत्मनिर्भर शपथ लेने का ऑप्शन भी दिया गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान को सपोर्ट करता है। तो आप जल्दी से ये आत्मनिर्भर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में और यूज़ कर सकते हैं। अब आपको बताने जा रही हूँ कि आज यानी 1 तारीख से देश भर में कई नियम बदले जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब और जीवन पर पड़ेगा। बैंकों में पैसा जमा करने वाले
लोगों से लेकर एलपीजी सिलेंडर बुकिंग करने वालों तक और रेलवे के टाइम टेबल तक में भी कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, रसोई गैस सिलेंडर बुकिंग के बारे में अगर बात करूँ तो गैस बुकिंग कराने वाले उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। जब सिलेंडर डिलीवरी के लिए आएगा तो आपको ये OTP डिलीवरी बॉय को बताना होगा। वहीं सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख में LPG सिलेंडर की कीमत तय करती हैं, लिहाजा इसमें इजाफा हो सकता है और इसके दाम कम भी हो सकते हैं। और अगर SBI के बचत खातों की बात करूं तो 1 नवंबर से यानी आज से जिन बचत खातों में 1 लाख रुपये तक की राशि डली हुई है उस पर ब्याज 0.25% घटकर 3.25% रह जाएगी। वहीं 1 लाख रुपये से ज़्यादा की जमा पर रेपो रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा। जी हाँ, पैसा जमा करने के लिए आपको शुल्क देना होगा। ये बात बिल्कुल सही है। अब 3 बार पैसा जमा कराने पर कोई शुल्क नहीं होगा, लेकिन 4थी बार में ग्राहक को 40 रुपये देने होंगे। हालांकि धनराशि धारक कर्ताओं को इसमें थोड़ी राहत दी गई है। उन्हें पैसा जमा कराने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन पैसा निकालने पर 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पैसों का लेन देन बहुत आसान बन चुका है। हम एक क्लिक पर किसी को भी चुटकियों में फ़ंड ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैंक की लाइन में लगना अब हम नहीं करते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं अब आपके लिए लेकर आई हूँ। डिजिटल के इस ज़माने में साइबर ठग भी हमारे खातों में सेंध लगाने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसमें से एक तरह का है सिम स्वैपिंग। जी हाँ, ये एक नया तरीका उन्होंने निकाला है जिसमें साइबर ठग ग्राहक के मोबाइल नंबर के सिम को कॉपी कर लेते हैं और आपके नाम से एक्टिव करा लेते हैं। इस दौरान ग्राहक जिस सिम का इस्तेमाल कर रहा होता है उसका डुप्लीकेट सिम निकलवा लिया जाता है, यानी आपका नंबर हैकर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठग इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर आने वाले OTP, आपके कॉल और मैसेजेस उनके पास आ जाते हैं जिसमें सिम के डेटा को हैक कर लिया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। बैंक की भी संबंध में ग्राहकों को अलर्ट कर रही हैं। बैंकों का कहना है कि अगर ग्राहक का मोबाइल नंबर अचानक बंद हो जाता है या आउट ऑफ रेंज तो तुरंत अपने मोबाइल सर्विसेज को ये जानकारी देनी चाहिए। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और हमारी वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर नमस्कार।